मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन थोड़ा मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और हमारा टाइम बचे, ठीक है। तो पिछले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एटम के मास GAM क्या होता है, मेरा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो उसमें हमने बेटा क्या सीखी थी, उसमें हमने ये सीखा था कि एक एटम के मास को हम हमेशा सिर्फ AMU से रिप्रेजेंट करते हैं और 6×10^23 एटम्स के मास को ही हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर किसी किसी नंबर के आगे ग्राम जुड़ा हुआ है, सॉरी पीछे ग्राम जुड़ा हुआ, इसका मतलब वो 1 मोल ऑफ एटम के मास है। और अगर सिर्फ AMU जुड़ा हुआ तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, वो मेरा है एक एटम का मास है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो जैसे अगर मैं सपोज करें H2 के मास की बात करूं तो H2 का मास क्या होगा, 1 × हाइड्रोजन का एक मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 और टोटल कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 × 2 AMU, ठीक है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 7 × 2 क्या होता है 14 AMU और इस तरह के साथ 2 × 8 16 AMU एक मॉलिक्यूल के मास को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और अगर लेकिन पॉइंट इज दैट कि AMU में रिप्रेजेंट होना चाहिए। देखो घबराने की बात नहीं है, ऐसे ये मत सोचिए कि बहुत कंफ्यूजन वाला नहीं, नहीं AMU ग्राम एक ही होता है, बट हम फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट में इसको डेफिनेशनली ये समझते हैं कि AMU का मतलब एक एटम का होता है, बट हालांकि मतलब इनका एक ही होता है, ठीक है। ऐसे देखो घबराने वाली बात नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं आगे वाले चैप्टर्स में हम AMU वगैरह तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब उन चीजों के लिए हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और हमेशा इट इज एक्सप्रेस इन 1 AMU, लेकिन 1 AMU कब रिप्रेजेंट होगा, जब हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करेंगे तब। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब GMM की बात करो बेटा। GMM की अगर मैं बात करूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो समझो बात को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही मेरे लिए क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो, आपको ये नहीं मानना तो आप ये बोले द मास ऑफ 6.02×10^23 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल के मास को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या इसको ऐसे भी और ये भी बोल सकते मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहां तक आपको, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हो जाती है, आई बात समझ में। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं, ठीक है। जैसे CO2 पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूं AMU में क्या होगा और GMM में क्या होगा, ठीक है। AMU में देखो कार्बन का एक, इसमें आपको क्या करना, हर एटम के मास को क्या करना, आपको एड अप करते जाना है। तो इसमें कितना, जैसे 12 कार्बन का एक है, 12×1+2×16 तो कितना होगा, 16 करूंगा तो ये मेरा 32 हो जाएगा, माय मिस्टेक, दिस इज 32, ओके। नाउ तो दिस इज व्हाट इज योर 44 AMU, कितना आपको मिलेगा, 44 AMU मिलेगा। तो ये 1 मॉलिक्यूल का है और 44 ग्राम अगर मैंने रिप्रेजेंट किया तो ये 1 मोल का है। तो आप इस तरीके से प्यार बच्चे कर लोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट KMnO4, ठीक है, KMnO4। तीसरा है आपका NH2CONH2, जिसको हम यूरिया भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये इनके फॉर्मूले याद रखे, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ वर्डिंग दिया जाएगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिया, उसके बाद है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O, ठीक है। इसको मोहर सॉल्ट जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था,
नेक्स्ट जो मेरा आएगा उसके बाद आएगा मेरा, आप बोल सकते हो C12H22O11, इसको हम सुक्रोज कहते हैं। नाम याद रखिएगा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बेटा ये C4H10। ओके नेक्स्ट है आपका H2SO4 और है H3PO4। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एटमिसिटी भी बतानी है। चलो इनके एटमिसिटी कितनी होगी, कितनी होगी एटमिसिटी, तो यहाँ पे एटमिसिटी कितनी होगी, एटमिसिटी मतलब हर एक एटम काउंट कर लीजिए उसमें कितनी होती है, और जो टोटल होगा उसको मॉलिक्यूलरिटी भी हम बोल देते हैं। तो इसमें टोटल कितना, ऑक्सीजन की एटमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दो, तो दो उसकी क्या हुई एटमिसिटी। कार्बन का एक, तो टोटल कितना हुआ 3। ओके नाउ इसका कितना होगा 6 × 10 = 180, आप चेक कर लीजिए, आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ 180 ग्राम। ओके आप आंसर आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, मैं आंसर बताना, मैं फिर से आपको आपको हमेशा बोला है कि मेरे क्लास का रूल है, आप जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखेंगे, फिर खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे। 180 mu 180 ग्राम, KMnO4 का अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा मेरे हिसाब से 158 amu एंड लेट्स से 158 ग्राम, जो amu में वही ग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर देना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 60 amu 60 ग्राम। ओके इसका अप्रोक्सीमेटली हो जाता मेरे हिसाब से 392, राइट, हाँ 392 amu 392 ग्राम। ओके इसका हो जाएगा 342 amu 342 ग्राम। ओके इसका हो जाएगा 12 × 48 58 amu 58 ग्राम। ओके इसका हो जाएगा 98 amu 98 ग्राम। इसका भी क्या हो जाएगा 98 amu 98 ग्राम। ओके प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब जो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं वो इस तरीके से है कुछ। Now, our next thing is that, ठीक है, it is very important, प्यारे बच्चों देखो, number of gram molecule, तो आपको मैंने कल भी बताया था, ये point याद रखना, gram molecule, या gram atom, या gram ion, इनका मतलब ही क्या होता है, इनका ओवरऑल मतलब क्या होता है, मोल, इसका पूरे का मीनिंग ही क्या है, मोल, चाहे नंबर ऑफ मोल बोलूं या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बोलूं या नंबर ऑफ मोल बोलूं या नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलूं, ओवरऑल एक ही बात है। अगर एलिमेंट्स के एटम्स के बात में, एटम्स के फॉर्म में बात करो तो भी वो मोल कहलाएगा, और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो भी वो क्या कहलाता है, मोल ही कहलाता है। ओवरऑल हमारा मतलब किससे, कहानी कहानी की शुरुआत ही कहां होती है, मोल से होती है। ठीक है, तो इस बातों को याद रखिएगा, तो बाकी कुछ होता नहीं है ये एक्स्ट्रा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल, जिसको हम याद रखिएगा बेटा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट्स नथिंग बट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते W by capital M capital, देखिए वहाँ पे हम ग्राम एटम में क्या करते थे, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट किससे, आप GMM लिखो, चलो GMM लिखूं या ग्राम या मॉलिक्यूलर मास लिखूं, बात एक ही होती है, मतलब W by capital M। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, वही बात करूंगा मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे निकालोगे, N into मॉलिक्यूल का काम करेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन जो हम करेंगे इनके ऊपर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग,
नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है। 9 ग्राम ऑफ H2O, अब देखो n बराबर क्या होता है, W बाय कैपिटल M, तो W कितना दिया आपको, 9 दिया हुआ है, और ग्राम है, नीचे भी आपको ग्राम में ही रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको कल भी बताया था, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो मतलब 1/2। तो अब इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करते जाना है। तो 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, ठीक है। थर्ड वन इज 12.8 ग्राम ऑफ SO3, SO2, ठीक है। फोर्थ वन आपका हो जाएगा 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4, ओके। नाउ फिफ्थ आपके पास हो जाएगा 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, सिक्स्थ हम जो बोलेंगे 63 ग्राम ऑफ H2C2O4.2H2O, ठीक है। होप सो आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। इसको जब हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे n बराबर कितना हो जाएगा, n तो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स, मोल्स बराबर 31.6 डिवाइडेड बाय KMnO4 को हम याद रखें पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 158, तो दैट्स नथिंग बट ये डिवाइडेड बाय चला जाएगा 2 times 0.2, ठीक है। इसका बराबर हो जाएगा n बराबर 12.8 डिवाइडेड बाय 32 64, अगेन ये कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। ओके नाउ और ये बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 16, तो दैट्स नथिंग बट 1/2 × 10⁻⁶, ओके। नाउ n बराबर कितना हो जाएगा 29.4 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो ये हो जाता है 294, तो दैट्स नथिंग बट 0.1। इसका मोल्स कितना बराबर होगा 63 बाय, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 को बुलाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, डाइहाइड्रेट। तो इसको हम, मैं इसका जो अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर मास हो जाता है वो 126 होता है, तो दैट्स नथिंग बट 1/2। तो यहां तक चीजें आपको बेटा समझ में आ गई होंगी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इतना। तो देखो हम बिल्कुल बेसिक से बढ़ रहे हैं, एकदम एक साथ कुछ भी नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक फ्लोचार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसी फ्लोचार्ट पर अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मास दिया हुआ, मास दिया हुआ, आपको क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल n, और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, w से, और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल n, तो w बाय कैपिटल m। तो w अगर मैं इसको मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मोल्स। मोल्स को अगर मैं क्या कर रहा हूं, समझो बात को, मुझे जाना है, मुझे निकालना है मॉलिक्यूल्स, निकालने क्या निकालने, मॉलिक्यूल्स, मुझे निकालना है मॉलिक्यूल्स। तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, मॉलिक्यूल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, n इंटू n एवोगाड्रो नंबर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और मॉलिक्यूल से अगर मुझे कहां जाना है, एटम में जाना, सपोज करो क्या निकालना, एटम में, एटम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उसके एटमिसिटी से आपको क्या कर देना है,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटमिसिटी, ठीक है, इनटू एटमिसिटी, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रिवर्स भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने क्या किया, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो एटम को, नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, एटमिसिटी से, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एटमिसिटी से, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल पता चल गया तो मॉलिक्यूल को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एनए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मोल्स आ जाएंगे। और अगर आपको अगेन फिर से क्या करना पड़ेगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। पहले एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लीजिए और टोटल नंबर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन। सेम मेथड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी है, ठीक है। आप घबराइए मत, मैं इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, आपको डिटेल में समझ आ, फिलहाल के लिए मैं रब नहीं कर रहा, रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम, इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का जो है मेरा, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। थर्ड वन इज कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, आपको मास दिया हुआ, देखो गिवन मास आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहां से आपको करनी पड़ेगी, मोल से करनी पड़ेगी। तो आप पहले मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स बराबर आपको कितना जो गिवन मास हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 100 है, तो दैट्स नथिंग बट 2। अब मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपके पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 Na, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितना, 1, तो 1 इसकी क्या हो गया एटमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 2Na, तो आपको टोटल मिल जाएगा 2Na, तो दैट इज टोटल एटम ऑफ कैल्शियम। वैसे मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, तो दैट इज आल्सो 2Na। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 into 2Na, क्यों बेटा, क्योंकि एक ऑक्सीजन में, सॉरी एक कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन, तो 3 उसकी एटमिसिटी हुई ना, दैट इज द नंबर ऑफ एटम। एटमिसिटी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो कैल्शियम का, तो दैट इज नथिंग बट 6Na। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट हमारा खत्म हो गया, नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका एटॉमिक वेट होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक वेट होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉन जो होता है वही प्रोटॉन होगा, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज 20, दैट इज 20, और व्हाट इज द न्यूट्रॉन, इन दोनों का सबट्रैक्शन, तो दैट इज 20। तो 12 ये 6, ये 6, तो ये भी 6, और ये 8, ये 8, और ये भी 8। घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हो, दैट इज जो प्रोटॉन नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा किसमें,
इनमें। कैसे? अगर आयन नहीं है बेटा एटम, अगर एटम आयन नहीं है तो जो एटमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटोन होता है, वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो अगर मैं बात करूं टोटल, क्योंकि ये सारे बराबर है, देखो है तो ये सारे बराबर ऐड करने पर, तो मैं लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कितना हो जाएगा 20 + 6 = 26 आपका कितना हो जाता है 20 + 6 + अब ऑक्सीजन में कितने थे, ऑक्सीजन में 3 था तो 3 × 8 कर दूंगा मैं। क्यों? देखो कैल्सियम कार्बोनेट 20 इसका 6 इसका प्लस 8 × 3 मतलब ये 50, मतलब 50 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 50 प्रोटॉन होगा, 50 न्यूट्रॉन होगा। नहीं तो आपको नहीं समझा तो सबके एटॉमिक नंबर आप ऐड कर दीजिए 20 + 6 + 3 तो ये आपको क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि दो सबको ऐड करने पर आपको एक ही चीज मिलेगी। ठीक है, तो आपको निकालना कैसा है, तो 50 एक में है तो ऐसे कितने आपके पास मॉलिक्यूल है, आपके पास टोटल मॉलिक्यूल है 2n है, तो 2n से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट योर आंसर 100 n। तो यहां तक आपको सारी बात बेटा समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की, ओके बेटा तो चलो इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं क्वेश्चंस लिखते जाता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। ये क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, एक मिनट हाँ, ओके क्वेश्चन नंबर टू मेरा है, क्वेश्चन नंबर टू इज दैट मेरो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या? देखो कभी कभी मैं फिर से बोलना, आपको क्वेश्चन में सिर्फ नाम दिया जाएगा तो आपको फॉर्मूला खुद से याद करना पड़ेगा। तो C12H22O11। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, What weight of CH4 should be taken? Which contain 2.4 × 10⁴ 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर फोर, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें इस पूरे मॉल कॉन्सेप्ट में, इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 × 10⁶ एटम ऑफ ऑक्सीजन।
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर विच कंटेन 110 ग्राम ऑफ CO2, 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ O3, 90 ग्राम ऑफ H2O, एंड इसके बाद आता है 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो चलो पहले हम पांच क्वेश्चन करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, हमें मोर कौन सा बहुत अच्छा टॉपिक करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में क्या करूंगा, मैं मोल्स निकालूंगा। मेरा कहानी का शुरुआत हमेशा कहा होगा, देखो मोल्स फिर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से फिर इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं मोल्स निकालूंगा, तो दैट्स द नंबर 1.6 डिवाइडेड बाय 16, तो दैट 0.1, और मॉलिक्यूल मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा 0.1 इनटू Na, तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन के 6 हो गए, हाइड्रोजन के 1 और टोटल हाइड्रोजन 4, तो टोटल 10। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 10 है और ऐसे आपके पास कितने हैं, 0.1 Na, तो दैट इज योर Na, आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिली पर ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो कुछ नहीं, पहले निकालो मोल्स, 6.84 इनटू 10 रेस टू माइनस 3 मिलीग्राम बोला ना, क्योंकि हमने डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 342 से, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इनटू 10 रेस टू माइनस 5, तो ये मेरे पास मोल्स हो जाएंगे। अगेन मॉलिक्यूल मेरे पास कितने हैं, मॉलिक्यूल मेरे पास हो जाएगा 2 इनटू 10 रेस टू माइनस 5, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, एटमिसिटी देख लो, C12 है, तो मतलब 12 इसकी क्या हुआ एटमिसिटी, एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो टोटल मॉलिक्यूल आपके पास इतने हैं, तो 2 × 10⁻⁵ Na, तो ये आपके पास कितना होगा, 24 × 10⁻⁵ Na, इतना आपके पास Na, मतलब 16 × 10⁻², आप फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसको मैं क्या, अब हाइड्रोजन एटम की एटमिसिटी कितनी है, 22, तो 22 इनटू आपके पास कितना है, 2 × 10⁻⁵ Na, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन की एटमिसिटी कितनी है बेटा, 11 इंटू 2 × 10⁻⁵ Na, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, ये आपका सेकंड का आंसर, तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन व्हिच कंटेन 2.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हमें रिवर्स चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास है एटम दिया हुआ है, एटम से आपको किस में जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल आपके पास कितना हो जाएगा, देखो मॉलिक्यूल हो जाएगा 2.4 × 10⁴ और एटमिसिटी देखो CH4 में हाइड्रोजन की एटमिसिटी कितनी है, 4, नन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हाइड्रोजन के, 4, तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁰, ये हो गया 6 × 10⁰। नाउ ये मॉलिक्यूल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देता हूं अगर मैं किससे, मॉलिक्यूल को मैं Na से डिवाइड कर दूंगा, तो यू विल गेट योर आंसर, तो 6 × 10⁰⁷ दैट्स नथिंग बट 1 मोल। तो उसने क्या पूछा, वेट पूछा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, N into
कैपिटल एम तो 1 इनटू 16 मोलर मास होता है तो दैट्स नॉट द 16 ग्राम तो दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। आपको ये खुद से पहले अटेम्प्ट करना है बेटा, बाद में आंसर देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 इनटू 10 टू 26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगेन सेम रिवर्स सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं अगर मैक्स में बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आपको एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, आपको हमेशा उल्टा जाना होगा। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, 7.2 10 का पावर 26 को आप डिवाइड करोगे 6 से, तो यू विल गेट 1.2 10 का पावर 26। ओके, नाउ ये मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स बराबर कितना हो जाएगा, n इज दैट नथिंग बट 1.2 10 का पावर 26 और डिवाइड कर देता हूं 6, चलो 6 इनटू 10 का पावर 23 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये 2, तो मेरे हिसाब से 200 आ जाएगा, राइट 200 आंसर होगा। देन वेट कितना हो जाएगा, वेट बराबर हो जाएगा 200 मोल्स से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से, तो दैट इज योर 36 kg, क्योंकि 36,000 आंसर आएगा तो 36 kg लिख सकता हूं मैं, तो दैट इज योर आंसर। तो हमने चार क्वेश्चन कवर किए बड़े इसी तरीके से। ओके, देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर आप ऐसे निकाल सकते हो सबके मोल्स निकालो, सबके मॉलिक्यूल्स निकालो, हर सब चांस में एटम्स को अलग अलग निकाल के, इससे बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं इसके लिए, तो कुछ मत करो, सबसे पहले सब्सटेंस लिख लो, इसको टेबुलर फॉर्म में कर लो, सब्सटेंस लिख लो, गिवन मास लिख लो, गिवन मास आपका कितना है, मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स आप कैसे निकालोगे, मोल्स बराबर निकालोगे डब्ल्यू बाई एम से निकालोगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे आप, मॉलिक्यूल निकालोगे एन इंटू एन ए, एन ए से मल्टीप्लाई कर देना, और ऑक्सीजन एटम तो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल इंटू एटमिसिटी, मॉलिक्यूल इंटू एटमिसिटी। आप इस तरीके से करोगे तो बेटा आपको काफी फायदा मिलेगा इन चीजों का। तो मैं यहां से इसको ड्रॉप कर दे रहा हूं। ओके, तो पहला सब्सटेंस जो है मेरा वो है, कौन कौन सा सब्सटेंस दिया हुआ, CO2 दिया हुआ आपको, CO2 दिया हुआ है आपको, CO2 का दिया हुआ 110 ग्राम, कितना दिया हुआ 110 ग्राम। CO2 के बाद उसने दिया हुआ O3 दिया हुआ जिसका 96 ग्राम दिया हुआ, उसके बाद आपको दिया है H2O का 90 ग्राम, H2O का 90 ग्राम, और उसके बाद दिया हुआ SO3 का 160 ग्राम। ओके, SO3 का 160 ग्राम, और सुक्रोस मतलब C12H22O11 इसका कितना दिया हुआ है 342 ग्राम। तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं बेटा जल्दी जल्दी, तो 110 डिवाइडेड बाय 44 तो दैट्स नथिंग बट 5/2, मेरे हिसाब से आई थिंक 5/2 आंसर आना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल 5/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 48 तो दैट्स नथिंग बट 2, और 90 डिवाइडेड बाय 18 तो दैट्स नथिंग बट 5, 160 डिवाइडेड बाय 80 तो दैट्स नथिंग बट 2, और 342 डिवाइडेड बाय 342 दैट्स नथिंग बट 1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 5/2, एन से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा 2NA हो जाएगा, ये हो जाएगा 5NA हो जाएगा, ये 2NA हो जाएगा और ये NA हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो यहां पे 2 है, तो 2 × 5 × 5/2 NA, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 3 मतलब 3 एटमिसिटी हुई और 2NA मतलब कितना हो जाएगा ये 6NA हो जाएगा। यहां पे 1 है तो और 1 × 5 NA मतलब कितना हो जाएगा 5NA हो जाएगा। ओके, नाउ SO3 में ऑक्सीजन की एटमिसिटी 3 है, 3 × 2 NA हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 6NA हो जाएगा, और अगेन यहां पे क्या हो जाएगा 1NA 11NA एटमिसिटी 11, मॉलिक्यूल मेरा टोटल है 1।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे बेटा आपके पास, 5, 6, 11, 11 और 5, 16, 16, 6, 22 और 33 एन ए, ये आपका करेक्ट आंसर है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए। अब इनमें देखो कुछ कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं आप समझिए थोड़ा, ठीक है। जैसे ट्विस्टेड क्वेश्चन ऐसे बन गया, मान लो सेम क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन ये कर दिया कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन आपको ऐसे कर दिया मैंने, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स same number of oxygen atom as in above problem। मतलब आप क्या है, अब आपको ऐसा मान लो, ऐसा क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट करके दिया कि आपने टोटल नंबर बोला, अब मैं बोला कि भैया आप मान लो जितना ऑक्सीजन एटम है उतना ही ऑक्सीजन एटम ग्लूकोज है, कोई किसी कोई मास का टुकड़ा लिया ग्लूकोज का मैंने, जिसमें टोटल मैंने ऑब्जर्व किया कि 33 यानी ऑक्सीजन एटम है, तो एक्चुअल में उस ग्लूकोज का मास कितना होगा। अगर मैं ये मास को, कहने का मतलब फिर से समझा रहा हूं कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसी ग्लूकोज के पास होता तो उसका कितना मास होता, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल निकाल लो, मॉलिक्यूल कैसे निकालो, 33 यानी कि आपके पास क्या है एटम है, उसको डिवाइड करोगे ग्लूकोज में, पास कितना होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो 6 तो दैट्स नथिंग बट 5.5 Na हो गया, तो दैट्स नथिंग बट अगर मैं मोल और मोल्स की बात करूं तो 5.5 Na डिवाइडेड बाय Na, तो दैट्स नथिंग बट 5.5, तो दैट इज व्हाट इज द मास, तो 5.5 into 180, तो दैट्स नथिंग बट 80 into ये एप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा 990 ग्राम, कितना आ जाएगा 990 ग्राम। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे बन सकते हैं इनके ऊपर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के ऊपर के ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जिससे आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, what mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atom in 80 gram of CH4। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर देखो आपको बोल रहा है कि CH4 इतना दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना इथेन का मास लूं ताकि मेरा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इथेन में है वो सेम मेरे 80 ग्राम ऑफ CH4 का जा। अगर आप बुक के मेथड से जाते तो भैया आप क्या करोगे, पहले इसके मोल्स निकालोगे, मोल्स से आप मॉलिक्यूल्स निकालोगे, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां निकाल के इसके इक्वल करोगे, फिर इसके एटमिसिटी क्या करोगे, ब्ला 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 ये करोगे, तो बहुत लॉन्ग मेथड है। तो एक काम करो, दोनों तरफ NCH4 लिखा मैंने, इथेन मतलब C2H6, तो ये मोल हो गए। अगर मैंने दोनों को Na से मल्टीप्लाई कर दिया सपोज करो, तो ये क्या हो गए मेरे मॉलिक्यूल हो गए। और अगर मैंने क्या किया, दोनों को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसकी एटोमिसिटी 4 है तो हाइड्रोजन की 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की 6 है, यही तो वो बराबर बोल रहा, तो एक इक्वेशन में आपका कहानी खत्म। तो Na क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 4 into W मुझे वेट दिया हुआ क्या 80/16 = 6 × W / 12 = 24 और 30, तो W यहां से मेरे हिसाब से जो आंसर रहेगा वो आपका
छोटे छोटे ट्रिक्स से कैसे क्वेश्चन आसान बनता, नहीं तो ये एक्चुअली में बुक में क्या दिया होता था, बुक में पहले आप क्या करते थे, पहले NCH4 निकाला, आपने NCH4 निकाला, सपोज करो 80/16 तो ये 5 आया, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा 5 एन आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन एटम निकालो, हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा 20 एन आ जाएगा। अब 20 एन को किसके बराबर करोगे आप, इथेन के बराबर करो, इथेन बराबर 20 एन डिवाइडेड बाय आप क्या करते थे 6 से डिवाइड कर देते, फिर आप क्या जाते थे फिर मॉलिक्यूल्स में आ गए, फिर मोस्ट लॉन्ग मेथड, एक लाइन में मेरा आंसर खत्म हो रहा है। पहले दोनों तरफ मोस्ट लिखा, उसको दोनों के एटम से मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रो से तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल को एटमिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम बनकर कहानी खत्म, पैसा हजम, लैब सेट अपने को इतना ही करना है। आई होप सो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बाकी जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा, तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज डेली क्वेश्चन बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और इसके अलावा कोई इसमें ऑप्शन नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच।